बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के डॉलर रेट और रियाल रेट से अपडेट करूंगा जी। मैं आपको पीछे स्पीकर लगे हुए हैं, इनमें शायद सुनाई देता रहे कि जुमेरात वाला दिन है जी, अलग घर से नेकी कमाते रहे। ये पाकिस्तान में हूँ जैसा कि आपको पता है जी, और सफ़र कर चुका हूँ जद्दा टू लाहौर के लिए। तो अभी डेढ़ माह भी मुझे हुआ है, तो जुमेरात की जुमेरात स्पीकर चलते रहते हैं मसाजिद में, शायद उनकी आवाज़ आपको सुनाई देती रहे। बहरहाल आपको डॉलर रेट और रियाल रेट से अपडेट करूंगा। अच्छा, मैं पाकिस्तान में अभी फिर से रियाल चेंज करवा कर लाया हूं, और उनका क्या रेट लगा है अभी वो वीडियो इंशाल्लाह ताला आपके साथ सही टाइम शेयर कर दूंगा। यार अभी बात कर लेते हैं जी डॉलर रेट के, मतलब पहले आपको बता दूं, आप देख रखे होंगे 186 रुपए 92 पैसे था, और आज हो चुका है 186 रुपए 97 पैसे, यानी कि आप 1 रुपए 5 पैसे बढ़ चुका है। लेकिन कल भी 1 रुपए 61 पैसे, वही पुराने वाला रेट फिर 188 से नीचे जा रहा था, अभी फिर 188 के ऊपर पहुंच चुका है। अगर रियाल रेट के मुतालिक बात करें, पहले मैं आपको एक्सचेंज रेट बता दूं, 49 रुपए 54 पैसे हो चुका है जी एक्सचेंज रेट, और इंडियन 20 रुपए एंड बांग्लादेशी टका 23 रुपए बोल रहे हैं, 22 रुपए 22 टका 98 पैसे। तो अभी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बता दूं, फौरी बैंक बैंक अल जजीरा 48 रुपए 90 पैसे रेट है जी इनका, ठीक है, और दसरियल फीस है। एंड एसटीसी पे की बात करें तो इनकी 48 रुपए 92 पैसे रेट है, और सतरियल फीस है 49 के ऊपर ये भी पहुंच चुके हैं। तहवीर राजी 48 रुपए 64 पैसे दसरियल फीस सिर्फ, एंड वेस्टर्न यूनियन 48 रुपए 98 पैसे 23 फीस, एंड मनीग्राम 47 रुपए 83 पैसे, इनका रेट थोड़ा कम है। एंड टेली मनी ए एंड बी बैंक इनका 48 रुपए 97 पैसे 15 फीस है। इंजाज बैंक भाई इस वक्त 48 रुपए 74 पैसे रेट दे रहा है, 10 फीस है। अच्छा, एक भाई ने मुझे कल कमेंट किया था कि 33 फीस हो चुकी है। भाई मैं मुस्लिम वीडियो में आपको बताता रहता हूँ, 10 रियाल 17 रियाल 23 रियाल एंड 33 रियाल ये फीसें होती हैं। आप एक अकाउंट में मोबाइल ऐप से पैसे भेजते हैं, जैसे पहले नहीं वो काटते थे, अभी 10 रियाल वहां से भी काटते हैं। आप किसी अकाउंट में भेज रहे हैं पहली दफा तो 17 रियाल या 23 रियाल काटे जाएंगे। आप किसी के नाम के ऊपर पहली दफा भेज रहे हैं या 23 या 33, इन दोनों में से एक आपको बाइक देने पड़ेंगे वहां पर। तो बेहतर यही है, किसी के नाम के ऊपर अगर आपने पहले भेजे हुए उसके नाम के, बेहतरीन तरीका तो मैं यही इसी को बोलूंगा कि आप अकाउंट खुलवाएं, जिसके नाम के ऊपर आपने भेजे उसके अकाउंट में भेजा करें, ये बेस्ट है।